हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आंध्र प्रदेश यूजी 2020 के बारे में कि आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या कितने एमबीबीएस कॉलेज हैं और कितने सीट हैं एमबीबीएस के, प्राइवेट सीट और गवर्नमेंट सीट क्या रहता है कट ऑफ, क्या ये ओपन स्टेट है और कैटेगरी वाइज कितने सीट डिवाइड किए गए हैं और कौन कौन से कोटे का सीट अवेलेबल होता है वहाँ पे और क्या होता है फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ क्या जाता है, आज इन सारी बातों पे मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा, यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है सिर्फ बी कैट और सी कैट के सीट के लिए। इसके लिए देश के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं बी कैटेगरी के सीट के लिए और सी कैटेगरी के सीट के लिए। और बाकी जो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का सीट होता है या फिर प्राइवेट कॉलेज का जो गवर्नमेंट सीट होता है यानी कि ए कैट का, इसके लिए सिर्फ स्टेट का ही या फिर डोमिसाइल स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करता हूँ कि आंध्र प्रदेश का काउंसलिंग कौन कंडक्ट कराती है। तो आंध्र प्रदेश का जो काउंसलिंग होती है वो डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा कराई जाती है। मेरिट लिस्ट से लेके पूरा काउंसलिंग प्रोसेस इन्हीं के द्वारा कराई जाती है। अब बात करते हैं आपको कि आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट और प्राइवेट टोटल कॉलेज कितने हैं। तो गवर्नमेंट, प्राइवेट और माइनॉरिटी कॉलेज का बात करें तो 28 कॉलेज हैं और गवर्नमेंट, प्राइवेट और माइनॉरिटी कॉलेज का अगर हम बात करें कि कितने सीट हैं तो 4500 सीट हैं और भी नए सीट ऐड होंगे और नए कॉलेज भी ऐड होने वाले हैं 2020 काउंसलिंग के समय। अब बात करें कि टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज कितने हैं तो 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 14 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें कि 2 माइनॉरिटी कॉलेज हैं, यानी कि टोटल 16 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट 2000 हैं और टोटल प्राइवेट एमबीबीएस सीट 2500 यानी कि 2500। अगर बात करें कि टोटल प्राइवेट एमबीबीएस सीट इन माइनॉरिटी कॉलेज 250 सीट अवेलेबल है माइनॉरिटी में। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, लास्ट तक देखिए। अंडर आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी टोटल एमबीबीएस कॉलेज इन 16, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर 16 कॉलेज आते हैं जिसमें कि 14 कॉलेज ऐसे हैं जो कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेज हैं और 2 है वो माइनॉरिटी कॉलेज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं और माइनॉरिटी कॉलेज कितने हैं। तो 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं आंध्र यूनिवर्सिटी के अंदर और इसमें 9 प्राइवेट कॉलेज है और 2 है वो माइनॉरिटी कॉलेज आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अंडर श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी रीजन यानी कि श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी रीजन मेडिकल एमबीबीएस कॉलेज कितने हैं, तो 12 एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज है वेंकटेश्वरा के अंदर, वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें कि 6 हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 5 है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और बाकी 1 है वो माइनॉरिटी कॉलेज हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल एमबीबीएस सीट कितने हैं और कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो टोटल लगभग 2000 सीट अवेलेबल हैं, 1950 सीट अवेलेबल है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अवेलेबल है, जिसमें कि 15% सीट जो होता है वो ऑल इंडिया की तरफ चला जाता है और 85% सीट होता है वह स्टेट के अंदर आता है और 23 सीट होते हैं जो कि एनआरआई कोटे के अंदर चले आते हैं। तो चलिए बात करते हैं 1950 सीट को कैसे डिवाइड किया गया। तो 2093 सीट होते हैं ऑल इंडिया कोटे के अंदर चला जाता है, 15% जो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग होता है जो एनसीसी कंडक्ट कराती है उसके अंदर में चला जाता है। इन सीट के लिए इंडिया के किसी भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो बचा 85% कोटे के जो सीट बचा उनमें 1657 सीट अवेलेबल होते हैं इसके लिए, जिसमें कि इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा सीट, ठीक है। इसके बाद 23 सीट जो होता है वो एनआरआई कोटे का सीट होता है जो कि सिर्फ होता है एसवीआईएमएस यानी कि श्री पद्मावती मेडिकल कोटा तिरुपति। अब ये हो गया गवर्नमेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यानी कि टोटल
2500 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट हैं, जिसमें कि 1250 सीट होती है वो ए कैटेगरी में चला जाता है, यानी कि गवर्नमेंट कोटे के सीट में, ठीक है, ये कैटेगरी को बोलते हैं जिसका कि गवर्नमेंट के अंदर में चलाता है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। और बाकी जो सीट बचते हैं 875 सीट, ये बी कैट के अंदर आते हैं, जिसको भी बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट अंडर मैनेजमेंट कोटा। बी कैट को हम मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, यानी कि 875 सीट होता है बी कैट के अंदर आता है, और बाकी जो सीट बचे 375 सीट, ये चले जाते हैं आपको NRI कोटे के अंदर, जिसको कि हम सी कैट बोलते हैं। तो बी कैट और सी कैट के लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, उसे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो सीटें हैं उनको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला ए कैट का सीट, जिसे ए कैट बोलते हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट, और बी कैट होता है जिसको कि मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं प्राइवेट कॉलेज में, और सी कैट होता है जिसको हम NRI कोटे बोलते हैं, ठीक है। अब ए कैट का सीट होता है वो पूरा आंध्र प्रदेश में जो ए कैट के सीट होते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उसमें 50% सीट होता है वो ए कैट के अंदर आते हैं। जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं आंध्र प्रदेश में, इसमें 50% सीट होते हैं वो ए कैट के लिए आते हैं, जिसमें कि सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 35% सीट होते हैं वो कैटेगरी बी के अंदर आते हैं, जिसमें कि किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और 15% सीट जो होते हैं वो कैटेगरी सी के अंदर आते हैं, जिसको कि हम NRI भी बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर क्या है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फी स्ट्रक्चर जो है आंध्र प्रदेश के लिए वो है 11,400 पर ईयर, 11,400 पर ईयर प्योर गवर्नमेंट कॉलेज का ये फी है। अगर हम बात करें कि फी स्ट्रक्चर इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी का क्या फी स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कैटेगरी ए का। तो कैटेगरी ए का जो फी है वो 70,000 पर ईयर फी है कैटेगरी ए के। कैटेगरी बी का जो फी स्ट्रक्चर है 12,73,388 रुपीज पर ईयर। अगर बात करें कैटेगरी सी का, जिसको NRI कोटा बोलते हैं, इसका फी पर ईयर है 31,50,000 पर ईयर। ये आपका फी स्ट्रक्चर था कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी का, ये प्राइवेट कॉलेज का। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज सीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया, यानी कि रिजर्वेशन है वो किस तरीके से लागू किया जाता है। लिस्ट ऑफ कैटेगरीज लिखा हुआ है, इसके बाद सीट रिजर्वेशन दिया हुआ है परसेंटेज में। बैकवर्ड क्लास यानी कि ए, बैकवर्ड क्लास ए, देखिए क्या होता है, आंध्र प्रदेश में जो कैटेगरी है यानी कि OBC कैटेगरी जिसको बोलते हैं, उसको फाइव कैटेगरी आते हैं OBC के अंदर, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी और कैटेगरी ई, यानी कि BCA, BCD, BCE ये आते हैं आपका OBC के अंदर। तो OBC के अंदर BCA के अंदर 70% रिजर्वेशन होता है, BCB के अंदर 10% रिजर्वेशन आता है, BCC के अंदर 1% आता है, और BCD के अंदर आता है वो 7% आता है आरक्षण, और बैकवर्ड क्लासेस ई यानी कि BCE के अंदर आता है 4%। अब बात करते हैं फिजिकली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज के लिए 3% वहाँ पे दिया हुआ है रिजर्वेशन, और SC कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन है, ST के लिए 6% रिजर्वेशन है, और वोमेन कैंडिडेट्स जो कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सारे वोमेन कैंडिडेट के लिए 33% रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बाद जो भी बचते हैं वो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी, जो कि आपको OC कैटेगरी बोलते हैं, बाकी जो भी बचते हैं परसेंटेज वो OC कैटेगरी के लिए मिलता है। तो ये था रिजर्वेशन के बारे में। अब बात करते हैं हमको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया। टोटल MBBS सीट है लगभग 1650, और भी सीट ऐड हुए हैं और भी सीट ऐड होंगे, लेकिन वर्तमान में जो सीट है मैं उसका बात कर रहा हूँ, आगे आने वाले दिन में हो सकता है सीट ऐड होंगे, 100% सीट होंगे, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। ये में दिया हुआ लिस्ट ऑफ कैटेगरी
सीट रिजर्वेशन, सीट अलॉटेड, ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिए। इसमें ऑल इंडिया कोटे में 15% सीट चला जाता है, जो भी टोटल गवर्नमेंट कॉलेज का सीट है वो 246 सीट, यानी कि 246 सीट होता है वो ऑल इंडिया के अंदर काउंसलिंग होता है। स्टेट कोटा में 85% सीट, यानी कि टोटल सीट 1205 सीट होता है, वो रिजर्व होता है, ठीक है, स्टेट कोटे के लिए। और बीसीए के लिए 7% में 98 सीट आता है, बीसीबी में 10% में 140 सीट आता है, और बीसीसी के लिए 1% में 14 सीट आता है, बीसीडी के लिए 7% में 98 सीट आता है, और बीसीई के लिए 4% में 56 सीट आता है। अगर बात करें हम फिजिकली चैलेंज के लिए तो 3% आरक्षण है, जिसमें कि 42 सीट अवेलेबल होता है, और एसी कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन में 210 सीट अवेलेबल होता है, एसटी के लिए 6% रिजर्वेशन में 84 सीट अवेलेबल होता है, वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 33% आरक्षण है, जिसमें कि 463 सीट मिलता है। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो इनका बाकी जितने बचे वो जनरल कैटेगरी में चला आता है, इनके लिए जो सीट अवेलेबल होता है 199 सीट। हाँ, तो यदि बात करते हैं हम क्लोजिंग रैंक का आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट कॉलेज का, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम आपको स्टेट कोटे के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं 85% के लिए, जो प्योर गवर्नमेंट है उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 500+, 520, 530 अगर स्कोर है तो यूआर कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का भी सेम होना होगा, तभी आपको सीट मिल सकता है कम से कम 520-530। ओबीसी कैटेगरी के अंदर पांच कैटेगरी आते हैं, तो इसको बीसीए के लिए 450, बीसीबी के लिए 490, बीसीसी के लिए 450, बीसीडी के लिए 460 और बीसीई के लिए 462 के अप्रोक्स अगर यदि स्कोर है तो उन्हें सीट मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। अब बात करते हैं हम एसी कैटेगरी के लिए, कम से कम 430 नंबर होना चाहिए, एसटी के लिए 430 प्लस होना चाहिए तभी सीट मिलेगा, 430-435। पीडब्ल्यूडी के लिए 150 पे भी सीट मिल जाता है, एनसीसी कैटेगरी के लिए 240, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 450। ये था आपका गवर्नमेंट कोटे के सीट के लिए। और वैसे स्टूडेंट जो भी आंध्र प्रदेश में ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यूआर कैटेगरी के लिए, ओसी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया 15% में कम से कम ए 580 प्लस स्कोर है तो मिल सकता है आंध्र प्रदेश में। एसी के लिए 486 स्कोर प्लस होना चाहिए, एसटी के लिए 475 प्लस होगा तो सीट मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनको कि काउंसलिंग से दौरान किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आती है, कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के फॉर्म को फिल करेंगे तो जल्दी हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। यदि काउंसलिंग का गाइडेंस चाहिए हो तो आप उस लिंक को फिल कर सकते हैं, साथ में हर एक स्टेट का लिंक दिया हुआ है, नीट यूजी 2020 के लिए एमबीबीएस काउंसलिंग के हर एक लिंक पे क्लिक कीजिए स्टेट का और आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जितने भी ओपन स्टेट हैं मैं वीडियो में बता चुका हूँ, तेलंगाना स्टेट का वीडियो में, उसमें आप सारा चीज़ देख सकते हैं। लगभग 10 से 12 ओपन स्टेट हैं जहाँ की हर एक स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में आंध्र प्रदेश तेलंगाना भी ओपन स्टेट है, यहाँ पे आप बी कैट और सी कैट के सीटों के लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सीट ले सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।